Santi Rakhadaya, Santi
विक्टो विगना सुविनायका गुम्रके दुनाध्यक्षो बाल चंद्रो गजाना स्वास्तिदानि नामानी या पड़े सुनयाद भी विद्यार मेव्या Gracias.
ज्ञान हो चुका है तो फिर अब यह जानना कि हम इस संसार में करने क्या आए हैं, क्या यह संसार हमारा निजी घर है या यहां से होकर हमने कहीं और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ऐसे ही विचारों को शव करेंगे और सबसे पहले जीवन की सत्यता को उजागर करता हुआ एक भजन हम शव करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। चला चल मुसाफिर Thank you.
को भी संबोधित करते हैं। इस संदेश के लिए कोई मुसाफिर तुम्हें आगे चलकर अपनी मंजिल का काम करना है। जनता सत्य एक है, जो आता है सो जाता है, जो आता है सो जाता है। जीवन की सत्यता, परंतु सज्जनों विचार यह करना होगा कि अगर हमने एक दिन सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाना है तो फिर हम संसार में करने क्या आए थे? इस संसार में जन्म लेने का हमारा मनोर उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या था? हम उसे जानने के लिए संसार में आए, उस मंजिल तक पहुंचने। एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जीवन का अर्थ क्या है? तो संत ने कहा कि जीवन का अर्थ बहुत महान है और यह हमारे ऊपर है कि हम इस जीवन को अर्थ देंगे या इसे निरर्थक, इसे व्यर्थ कर देंगे। यह हमारे ऊपर है, इसीलिए ये जीवन तो इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाने के लिए हुआ है। और हमारे भक्त भी हमें यही समझा रहे हैं कि जीवन दो दिन का है प्राणी, हे प्राणी ये जीवन दो दिन का है, इसलिए अब राम का सुमिरन कर ले, क्योंकि अगर राम का सुमिरन ना किया, उसको ना जाना, तो फिर अंत में पछताना पड़ जाएगा। अंत में फिर पछतावे के अतिरिक्त हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो फिर आइए आज की इस शोक सभा में, क्योंकि माता जी संतोष जिंदल जिन्होंने अपने जीवन के रहते रहते अपने परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बहुत कुछ दिया है। एक माँ की अपनी संतानों को, सभी को बहुत सी देन होती है, पर आज जाते जाते भी जब इस संसार से रुखसत किया तो हमें वो कुछ देकर जा रही है। वो क्या है? प्रेरणा। वो प्रेरणा जो हमारे जीवन को सफल कर सकती है। और आइए आज के इन विचारों को हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे, साथ साथ में भजन को सुनेंगे और साथ साथ में विचारों को श्रवण करेंगे।
जानते हैं जीवन तो केवल दो दिन का। जब हम संत कबीर जी की इस वाणी को, इस रचना को श्रवण करते हैं तो मन में एक प्रश्न होता है, वो प्रश्न क्या है? दो दिन का जीवन, यह तो गलत है। क्योंकि किसी की आयु 20 वर्ष है, किसी की 40 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, तो किसी की 80 वर्ष है। तो फिर यहां पर उन महापुरुषों ने जीवन को दो दिन का क्यों कहा? सजना एक होता है जन्म दिवस, जब जीव का जन्म होता है, और दूसरा होता है मृत्यु दिवस, जिस दिन उस जीव की मौत होती है। ये दो दिन, और दो दिनों के बीच में जो समय चल रहा है इसे जीवन काल कहा गया। इसलिए कहा दो दिन है जीवन के, इसके बीच में जो जीवन काल चल रहा है ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे व्यतीत कर रहे हो। राम कृष्ण परमहंस जी कहते नौका कश्ती अगर पानी में रहे तो बहुत अच्छा है, वो कश्ती आपको किनारे पर अवश्य लगाए पहुंचा दे, परंतु अगर पानी कश्ती के बीच में आ जाए तो ये खतरा है। क्योंकि जैसे ही पानी, वो जल कश्ती के बीच में आ गया तो वो कश्ती को डुबो देगा, वो कभी पार नहीं कर पाएगी कश्ती, वो डूब जाएगी। इसी प्रकार से परंतु कहीं ये संसार हमारे भीतर में बस गया तो फिर यहां कल्याण नहीं, इसे कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस संसार में हम उस प्रभु को पाने के लिए, उसकी भक्ति, उसकी बंदगी करने के लिए आए, पर आज हम अपने इस लक्ष्य को भूल बैठे। एक बार सभी से पूछा गया कि जीवन क्या है, किसी ने कहा जीवन एक रंग भूमि है। कैसी रंग भूमि? जैसे थिएटर, वहां पर कोई माँ की भूमिका अदा करता है, कोई पिता, कोई संतान है तो कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार, भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, यही जीवन है। किसी ने कहा जीवन तो एक युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि जहां पर कभी मन से युद्ध करते हैं तो कभी संसार से युद्ध करते हैं। कोई कहता है जीवन, जीवन तो एक पहेली है, एक ऐसी अनबूझ पहेली जिसका हल मिलने को नहीं मिल रहा, उलझ रहे हैं, भटक रहे हैं, इस पहेली का अंत नहीं हो रहा। पर एक व्यक्ति ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कह डाला, कहते जब जब जीवन में सुख आते हैं ना तो मुझे जीवन आम जैसा मीठा लगता, जब जीवन में दुख आते हैं तो मुझे ये जीवन नीम जैसा कड़वा लगता है। आपकी नजर में जीवन क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास वो एक आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। वो कहते जीवन आम जैसा मीठा भी नहीं, जीवन नीम जैसा कड़वा भी नहीं, जीवन कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष जिसकी यह महानता है इसके नीचे बैठकर आप जो कल्पना करेंगे, जो मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। सत्य ही तो जो कर्म करते हैं वो फल के रूप में सामने आ जाता है। और यही प्रश्न श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं और हमारे गुरुदेव, महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बताइए जीवन सुखरूप है या जीवन भार है? तो महाराज जी ने कहा जीवन साधना है, वो साधना जहां पर अपने तन को, मन को, विचारों को, चित्त को साध लेना है। साधना जीवन एक साधना है। भक्तों अब विचार ये करें क्या हमने अपने जीवन को साध लिया, या अभी तक जीवन एक पहेली बना पड़ा है, समझ ही नहीं आ रही। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, यूं ही अंधेरों में भटक रहे हैं हम, मगर आत्मा तो परेशान होती है। पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया परंतु आत्मा परेशान है, कर्म
रहता हूँ किराए के घर में, रोज सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, पर बातें मैं महल और मीनारों की करता हूँ। जल जाएगा ये मेरा घर एक दिन, पर इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ। खुद चलकर मैं शमशान तक भी ना जा पाऊंगा, खुद चलकर मैं शमशान तक भी ना जा पाऊंगा, पर अहंकार से इतराता हूँ, पर अहंकार से इतराता हूँ। कुछ नहीं है मेरा शरीर तो मिट्टी है, जिस दिन इस धरा की मिट्टी ने इस मिट्टी को आवाज दी तो मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई तर्क नहीं चलेगा, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक बार एक सेठ जी, वो अपने घर की जो छत थी उसके ऊपर कील लगवा रहे थे। एक मिस्त्री एक कारीगर वो छत के ऊपर कील लगा रहा है, तो सेठ जी ने कहा, अरे जरा कील जरा ठोक ठोक के लगाना अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के बाद कील निकल जाए और छत की फिर से रिपेयर करवानी पड़े। उस कारीगर ने कहा, मिस्त्री ने कहा, सेठ जी चिंता मत कीजिए, ऐसी कील लगाई है कि 15-20 साल तक कहीं नहीं जाएगी। अभी सेठ जी ने ऐसा ही कहा और ऐसा कहते घर से बाहर निकल पड़े। किसी काम के कारण बाहर गए और चलते चलते जैसे ही वापिस आ रहे थे, सीढ़ी से पैर फिसला, सर नीचे लगा जमीन पे, और क्या हुआ, वहीं पर मृत्यु हो गई। एक संत इस दृश्य को देख रहे थे, वो दृश्य भी देखा था जो घर पर सेठ जी कह रहे थे, और आज ये दृश्य भी देख रहे हैं। तो संत के मुख से एक बात निकली, घर को मजबूत करवाने के लिए, छत को मजबूत बनाने के लिए कील तो लगा ली, पर जीवन मजबूत हो जाए, जीवन सफल हो जाए, अरे वो उस कील को तो ढूंढा ही था। जिस कील ने इस जीवन को मजबूत एवं सफल करना था, अभी वो कील मालूम नहीं पड़ा। इसलिए कबीर जी हमें समझाते हैं कि जल्दी चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बजाना कोई। अरे मैं देखता हूँ किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई खुशी मना रहा है तो कोई शोक प्रसिद्ध है। इस चक्की को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, क्या बचने का कोई रास्ता नहीं, क्या ये जीवन की नियति है, क्या सबके साथ ऐसा ही होगा, क्या बचा नहीं जा सकता। तब कबीर साहब जी को एक ऐसी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी संत की शरण मिली। तब कबीर जी ने अपने अंतस में जब ईश्वर का दर्शन किया, तब अपनी रचना में लिखा, चक्की चले तो चलत दे, तू काहे को रोए, लगा रही तू कील से बाल न पाका। अरे चक्की चल रही है तो चलने दो, रोते क्यों हो, क्योंकि जो दाने जो कलम के दाने कील के साथ लगे रहते हैं उस चक्की में, उनका बाल भी पाका नहीं होता है। तो सजनों, इस जन्म मौत के दो कुड़ों में वो कौन सा कील है जिसके साथ लगना है, वो है ईश्वर का नाम, उसकी भक्ति, इस आत्मा का मिलन, उस परम प्रकाश, उस प्रभु से करवाना है। वही कील हमें बचा सकती है, उस कील के द्वारा ही हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे जहां पर मौत की स्थिति आने पर भी हम रोएंगे नहीं, बल्कि हमारे चेहरे पर वो दीपिका होगी, वो मुस्कान होगी जो अपने ईश्वर को मिलने पर होती है। परंतु आइए, हम सोचते हैं कि भक्ति कब की जाती है, भक्ति करने का कौन सा समय है। आइए आगे संत कबीर जी क्या समझाते हैं इसे श्रवण करते हैं।
खेली बन जाएगा भक्ति करने। परंतु बाल अवस्था को खेलने के लिए और तरुण अवस्था काम करने के लिए मौज मस्ती करने के लिए होती। परंतु सच में समय किसने देखा? रात को आराम से सोए, कल की प्लानिंग करके, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल वहां जाएंगे, रात को सोए ही रह गए, क्योंकि ये श्वासों की डोरी उस ईश्वर के हाथ में। और इतिहास के पन्नों में देखिए, ध्रुव और प्रहलाद वो बालक थे जिन्हें बाल अवस्था में यह ज्ञान हो गया कि जीवन का कोई ज्ञान नहीं, श्वासों का कोई पता नहीं, इसलिए भक्ति करो, बाल अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी राम तीर्थ जी, दयानंद सरस्वती जी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे बहुत सी महान शख्सियत हुई हैं जिन्होंने युवा अवस्था में इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा लिया, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। पर अगर आज हमारे मन में ये विचार है, कोई बात नहीं, फिर भक्ति कर लेंगे। अभी संसार में रहते हुए यश, प्रसिद्धि, धन, बल, पद इसको प्राप्त करें, तो आइए चलिए इतिहास में कुछ ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, पर क्या सच में शांत हो गए? क्या सच में संतुष्टि, पीस ऑफ माइंड उन्हें मिल गए? सिद्धार्थ, बचपन से उसका नाम सुना आपने, उसका स्वप्न क्या था? उसका स्वप्न विश्व विजेता बनने का, मैं पूरे विश्व को जीत लूं, ये दुनिया कहे कि विश्व विजेता सिद्धार्थ आ रहा है। परंतु जिस समय वो भारत इस धरती पर आया, तो आचार्य चाणक्य ने उसे समझाया कि सिद्धार्थ सबसे पहले मन को जी, सबसे पहले अपने आप को जान। अगर मन को नहीं जीत पाया ना, संसार को जीत भी लिया तो कोई लाभ नहीं होगा। उसे समझ नहीं आया, वो खून की नदियां बहाते हुए, अत्याचार करते हुए, अन्याय करते हुए आगे बढ़ता चला, क्योंकि सपन बड़ा विश्व विजेता बनने का। परंतु जब अंतिम श्वास ले रहा था ना, मृत्यु शैया पर था, तब कुछ सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक उसके पास थे, उसने क्या कहा? मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, दुनिया में जान ले कि विश्व विजेता का स्वप्न लेने वाला सिकंदर साथ में क्या लेके जा रहा है। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आले थे, दुनिया से जब हो गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर नहीं गया। किसी प्रकार से इंग्लैंड की पूर्व की महारानी हुई है एलिजाबेथ, अपने समय के रहते रहते बहुत माल, अस्बाब और धन को, संपत्ति को इकट्ठा किया। जब अंतिम समय आया, कहते हैं ना मौत पहले दिखने लगती है, उसके सिम्टम्स, लक्षण पहले दिखने लगते थे मौत आने वाली। जब वो मृत्युशैया पर थी, तो उसके इर्द गिर्द कुछ विद्वान खड़े हुए। एलिजाबेथ ने कहा कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ, कोई मुझे बचा ले। अरे ये माल ले लो, ये संपत्ति ले लो, मेरे रिश्तेदारों को कहो कि मुझे बचा। विद्वानों ने कहा, महारानी जी अब भगवान को याद कीजिए, अब भगवान के साथ संबंध स्थापित कीजिए, क्योंकि अब आपने वहां जाना है सब छोड़कर। एलिजाबेथ ने कहा, क्या कोई मेरे साथ नहीं जाएगा? अरे मौत का स्वाद मैं चख रही हूँ, क्योंकि मौत का स्वाद मेरे होठों पर है, कोई तो मुझे बचाए। विद्वानों ने फिर कहा, महारानी जी अब भगवान के साथ संबंध स्थापित कीजिए। तो एलिजाबेथ ने कहा, दिए जला दो, लाइट्स ऑन कर दो, क्योंकि मैं अपने भगवान के घर अंधेरे में नहीं जाना चाहती। सज्जनों, अब यह बताइए कि उस समय क्या बाहर के दियों की जरूरत है? नहीं, उस समय खट में ज्ञान के दीपक की जरूरत है, कि खट के भीतर जो अंधकार है वो दूर हो जाए, भीतर में कोई ज्ञान का दीपक जला दे। पर उसे यह विचार देने वाला, यह ज्ञान देने वाला वहां पर कोई नहीं था, और वो पछताती हुई इस समय था। क्या हुआ? जब यूनान के राजा का पुत्र मृत्युशैया पर था, बीमार था, उसे लुकमान के बारे में ज्ञान हुआ, तो उसने लुकमान को कहा कि मेरे पुत्र को औषधि दो, उसे बचा लो, जो मांगोगे वो ही मिलेगा। लुकमान ने गर्व से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास ऐसी औषधि है। लुकमान ने कहा कि अपने
अपनी औषधि जैसे राजकुमार के मुख में डाली तो क्या हुआ, उसको लेते ही वो राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। लुकमान को रास्ते में एक संत मिले, सज्जन मिले, कहने लगे लुकमान तुम्हारी औषधियां गलत नहीं है, तुम्हारे ग्रंथ भी गलत नहीं है, बस अब उसे ईश्वर की इच्छा नहीं है। जब ईश्वर की इच्छा नहीं हो तो वो औषधि काम से नीचे नहीं उतरती, औषधि काम से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि अब ये तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा धोखा देने के लिए, काल को धोखा देने के लिए अपने जैसे अनेका अनेक पुतले बनवा दिए, अपनी शरण जैसे पुतले खड़ा करवा चुका हूँ, इसे कैसे ज्ञान होगा कि लुकमान का वस्त्र जैसे ही मृत्यु का देवता काल है, उसने लुकमान का हाथ पकड़ा, लुकमान डरा गया, जानकर हमारा कल्याण हो सकता है, हम आत्मा का मिलन उस ईश्वर से करवा सकते हैं। और इसीलिए एक भक्त भी लिखते हैं, ये जिंदगी की घड़ियां किसी काम की नहीं, अगर इसमें याद आई श्री राम की नहीं, घर में तस्वीरें तुम्हारी हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों की हैं, घट में तस्वीर सिया राम की नहीं, तो जीवन की घड़ियां किसी काम की नहीं, तो जीवन की घड़ियां किसी काम की नहीं।
दिव्यता आ गई, वो मूल आ गए। कारण दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरुदेव स्वामी विरजानंद जी से उस ब्रह्म ज्ञान को आत्मज्ञान को हासिल किया था, जिसके द्वारा उनका दर्शन द्वार दिव्य दृष्टि खुल गई। यही होता क्या है, जब अंत समय होता है तो हमारे जो प्राण है, हमारी चेतना, वो कहाँ पर रहती है? पैर के अंगूठे से लेकर सर तक उस चेतना का, उस प्राण शक्ति का निवास है। और जब अंत समय आता है तो 72 लाख नाड़ियों में जिस चेतना का निवास है, तो वो चेतना, वो प्राण एक एक अंग को छोड़ना शुरू हो गया। पीड़ा रोग अपार 1000 बिच्छू जो दंत मारे एक साथ, जैसे 1000 बिच्छू एक साथ दंत मारे, इतनी पीड़ा अंत समय में होती है जब प्राण एक एक अंग को छोड़ दे। एक उदाहरण मान लीजिए, पतला सा कपड़ा, एक पतला सा दुपट्टा, वो कांटों के ऊपर गिरा हुआ, एक दम से खींचोगे तो क्या होगा? वो दुपट्टा फट जाएगा, तार तार हो जाएगा। परंतु अगर समय के रहते रहते आप उस दुपट्टे को धीरे 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 उन कांटों से निकालेंगे तो क्या होगा? वो दुपट्टा बच जाएगा। बस यही कार्य सतगुरु का हुआ करता है। संत सतगुरु जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो क्या करते हैं? वो आपकी प्राण शक्ति को यहाँ दर्शन द्वार में स्थिर करना सिखा देते हैं। आपके मस्तक के ऊपर बात करके, जहाँ पर आप पिन जलाते हैं, मस्तक पर बिंदी लगाते हैं, इस स्थान को दर्शन द्वार दिव्य दृष्टि का द्वार, इसी स्थान को अंदर से खो देंगे और प्राणों को यहाँ पर स्थिर करना सिखा देते हैं। और जैसे ही प्राण यहाँ पर स्थिर होना सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो ईश्वर प्रकाश रूप में विराजमान है। और हमारे महापुरुष भी लिखते हैं, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोरे देखकर अचंभा आए, नाभ कमल से पकड़ा हमको, दसों काल लगाया। इन सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरे श्वासों को, मेरी चेतना को नाभि से पकड़कर यहाँ दशक द्वार में स्थिर करना सिखा दिया। और यही पर आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो ईश्वर प्रकाश रूप में विराजमान है। हमें अक्सर ये भजन सुना है, तंतो मंदिर है, तंतो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, वृंदावन में बसे श्री राधिका कृष्ण, यानी शरीर मंदिर है और दिल वृंदावन, और इस दिल रूपी वृंदावन में राधिका भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। सजनों, हमारे सब के लेफ्ट साइड पे दिल है, हृदय है, तो क्या इस दिल में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं? क्या इस दिल में भगवान का निवास है? अरे इस दिल का, इस हृदय का काम तो पूरे ब्लड का सर्कुलेशन करना है बॉडी का। उसका ये काम होता है कि इस हृदय में, इस हार्ट में ईश्वर रहते हैं। देखिए दो तरह के हृदय हैं, एक है आध्यात्मिक हृदय और एक है शारीरिक हृदय। एक हमारी लेफ्ट साइड पे जिसका काम ब्लड का सर्कुलेशन करना है, और एक आध्यात्मिक हृदय ये है दर्शन का, जहाँ पर दिल सजा। और इसी दिल में, इसी आध्यात्मिक हृदय में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं प्रकाश रूप। और सतगुरु का काम यही है कि वो जीवन के रहते रहते मस्तक पर हाथ रखकर इसी दर्शन द्वार को खोलकर यहाँ पर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करवाएंगे, और प्राण शक्ति को यहाँ पर स्थित करके आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाएंगे। और महापुरुष यही कहते हैं कि जीव शरीर की चिता जलने से पहले पहले चेतना को जगा ले। कहीं शरीर की चिता जल गई, चेतना ना जागी, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब चेतना शरीर से निकल जाती है, फिर ना कोई श्रीमान है, ना श्रीमती है, फिर श्रीमान नहीं, फिर श्रीमती नहीं, क्योंकि वो चेतना, वो तत्व तो अंदर से निकल चुका है। और जब जब महापुरुष ज्ञान की बात करते हैं कि मौत आने वाली है, ईश्वर को जान लो, तो क्या होता है? एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी संत बड़े निराशावादी होते हैं, कहते हैं मौत आने वाली है, भक्ति कर लो, ईश्वर को जान लो, संत निराशा की बातें क्यों करते हैं? तो श्री आशुतोष महाराज जी, महाराज ने कहा, संत डराते नहीं, संत जगाते हैं। संत का काम जगाना है। कैसे? मान लीजिए बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो टीचर क्या कहती है? बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ोगे तभी
नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ये आगे परीक्षा है, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। उस समय तैयारी नहीं हो सकती, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। छोड़कर गई हैं तो इस परिवार को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वो ऐसी ही क्षमता प्रदान करें, सामर्थ्य दें ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाए। और जो भी विचार आपके समक्ष रखे गए हैं
ये सब विचार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आपके सामने रखे हैं। और अगर आप ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कोई भी विचार विमर्श करना चाहते हैं, ज्ञान से संबंधित कोई भी बात करनी है, तो आप हमारे पास आकर कोई भी विचार भी कर सकते हैं। आपके नजदीक ही पटियाला में ही हमारा आश्रम बना है, जिसका पता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्रेम कॉलोनी, पटियाला रोड। आप वहां पर आकर भी हमसे मिल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो सज्जनों, आइए चलते चलते एक बार फिर से इस पंक्ति को श्रम करेंगे कि जीवड़ा दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। आइए श्रम करें। जो पैदा हो गया मृत्यु निश्चित है,
चाहे राजा है, चाहे भूमि है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, जन्म लेने से पहले उसके संस्कार लिखे जाते हैं और जब अंतिम समय आता है तो अर्जुन जी ने उसके नाना जी ने अर्जुन जी को कुछ प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि राम का जो शब्द है वो क्या चीज है? उसकी नाना जी मिट्टू से बहुत डरते थे, बहुत डरते थे कि मेरी मिट्टू न आ जाए, मिट्टू न आ जाए। ये सच्चाई है, जब जन्म हो गया मृत्यु तो निश्चित है। अर्जुन ने कहा कि नाना जी आप मेरे साथ माता मृत्यु के पास चले। जब मृत्यु के पास चले गए तो जाके नाना जी या कोटि कोटि प्रणाम किया। माता मृत्यु ने कहा कि इतने से लोग, इतने से रिश्तेदार, इतने से संबंधी, इतने से मित्रगण सभी इकट्ठे होकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? कि माता मैंने कोई निर्णय करना है, उसका उत्तर चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि नाना जी आप बोलिए कि आगे प्रश्न। तो नाना जी कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है मृत्यु से, तो ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे कि ये मृत्यु टल जाए? कि ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता। मृत्यु कहती है कि आओ चलो आप यमराज के पास जाते हैं। सभी इकट्ठे होकर यमराज के पास चले गए। यमराज जी कहते हैं कि मृत्यु होने के बावजूद मेरा कर्तव्य है दंड देना, जय मृत्यु हो जाने के बावजूद दंड देना। ये भी सिखाई वहां से भी हम चल पड़े, यमराज जी के साथ चल पड़े। तो उसने कहा कि आप ब्राह्मण के घर जाइए, वहां जाकर के ही आप गौ ने बच्चे को जन्म दिया है, उससे ये पूछना कि राम नाम का शब्द क्या होता है। यही सच है और यही इंसान के कर्तव्य जो किए होते हैं उनके साथ जाते हैं। तो बछड़ा कहता है कि राम का नाम सच है। इतना कहने पर वो पथड़ा उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्राण छोड़ गया। तो उसने कहा ये तो और भी पाप हो गया मेरे से कि मृत्यु के पास आया। उसने कहा यमराज के पास जाओ। यमराज के पास आया तो उसने कहा ब्राह्मण के घर गौ बछड़ा का जन्म दे दिया, वहां जाकर के राम के शब्द का अर्थ पूछना क्या है। तो बछड़ा प्राण छोड़ गया तो वो नाना कहता है कि मेरे को और भी पाप लग गया। वहां से सभी ब्राह्मण भी साथ में लग लिया। कहां जाते हैं? एक राजा के घर जाते हैं। राजा के घर में संतान उत्पन्न होने की, संतान उत्पन्न होने की। गरुड़ में भी लिखा है कि हरिवंश पुराण, जब वंशा भेद नहीं चलेगी घर में तो आगे बेटे पोते कहां से होंगे? तो उसकी क्रिया कर्म कौन करवाएगा? कहने का तात्पर्य है कि वहां से भी हम राजा के घर में गए, बच्चे ने जन्म तो ले लिया। जन्म लेकर के ही उसने कहा कि राम नाम के शब्द का हर्ष पूछता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं जाना चाहता हूं।
कि जानना चाहते हो, इतने में ही वो राजा का लड़का भी राम नाम सत्य कर गया। उसने कहा उससे भी बढ़ के पाप हो गया, अब मैं क्या करूं? कि अब आपने क्या करना है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जिंदल परिवार, वो तो सब कुछ बता ही दिया था। 15 मई 2018 साल जिंदल पत्नी सुनीता जिंदल, जिनके बेटे रविंदर जिंदल और छोटे बेटे सुनील जिंदल, कि उनको बाधा कहने के लिए तो शब्द नहीं रहा, पर मैं ये कहूँगा जो आए हुए पितृगण हैं, जो ये रिश्तेदार हैं, गुरु प्यारे हैं, तो ये सभी इस परिवार का ये दुख साझा करने के लिए एकत्रित हुए। सबके नेत्रों से आंसू बहते हैं, तो परमात्मा से मेरी यही अरदास है, जिस आत्मा के लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ये जिंदल परिवार, सामूहिक परिवार, रिश्तेदार सब वही इनको धीरे देने आए। जहाँ पर दुख है वहाँ पर सुख भी है, जहाँ सुख है वहाँ पर दुख भी है, ये जीवन की दो पहलियाँ हैं। तो सभी इकट्ठे हो गए तो अर्जुन जी कहते हैं कि नाना जी, अब तो ये राजा का बेटा भी चला गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिंदल परिवार के अंदर से संतोष देवी चली गई, हमारा एकत्र होने का यहाँ पर उनको अंतिम आदेश देने का भाव है, कि जब सभी परिवार इकट्ठा हो गया तो माता संतोष देवी राम नाम सत्य कर गई। गरुड़ जी के सातवें अध्याय में लिखा है राजा पप्रु भान नाम के राजा हुए, उन्होंने ही सोमथा शिकार खेलने का, शिकार खेलने के लिए एक बार वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के गरुड़ जी के सातवें अध्याय में ये कथा लिखी है, तो उन्हें कहा कि हे राजन, सिपाहियों ने कि आप आज जंगल में जा रहे हैं, हम भी आपके साथ शिकार करने चलेंगे। जंगल में क्या था, प्रभु की पुण्यात्माओं विशेष ध्यान देने की, त्रेता युग की कथा है, आज की बातें नहीं है। तो उस समय पर क्या हुआ, तो उसने एक सोने का मृग, सोने का दो मृग दिखाई दिया, तो राजा के मन में आया, जैसे राम के मन में आ गया कि ये सोने का मृग है, तो जैसे राम जी का मन भटक गया था, ऐसे ही पप्रुभान नाम के राजा का मन भटक गया है। तो क्या हुआ, तो वो एक जंगल में जब गया, उसने तीर चलाया, राजा शौकीन होते हैं इस चीज के, तो तीर चलाने के बाद में उसने अपना जब भी तीर छोड़ा, उसके कोई तीर लगा कुछ नहीं लगा, रुदन खून शरीर से निकलने लग गया, तो उसके बाद वे लोग दूसरे गहरे जंगल में चले गए। वहां क्या था, एक बड़का वृक्ष था, सुंदर तालाब बना हुआ था, पुष्प महक रहे थे, गंधर्व गुणगान कर रही थी, भगवान जी का कीर्तन स्तुति कर रहे थे। तो सरोवर के अंदर क्या था, अमृत भरा हुआ था। ये अमृत है, जो इसके बारे में जानता है वही इस अमृत को पान कर सकता है, अन्यथा तो ऐसे सोते हैं। शरीर क्या है, शरीर से ही प्यार है, शरीर के अंदर जो चीज है उससे कभी किसी ने प्यार किया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, परम गति सो मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं, संसार में ना पैदा होना ना बिंदु को प्राप्त होना, 84 लाख आवागमन ये शरीर को छोड़ देना, तो 84 लाख योनि भोग करके एक बार हीरा मनुष्य जन्म मिलता है और इसको आप व्याप्त ही व्यापित कर देते हो। ऐसे जीवन को पल पल जब जन्म ले लिया, एक एक दिन घटता रहता है, इसकी कुछ कीमत समझो। तो तब क्या हुआ, तो वो बड़ वृक्ष के ऊपर जाकर के वो मृग बैठ गया। मृग कौन था, वो बस बादशाह था, वो बादशाह था, और वसुदेव नाम का एक बाण्य का पुत्र था वो। तो उसने क्या कहा कि राजन, कुछ मेरी बेनती है। कि क्या बेनती है,
खुद आप पुत्र का हक है, पुत्र ही माता पिता को स्वर्ग बन जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब पुत्र हैं भागीरथ के सगर के 7,000 पुत्र थे, उन्होंने भी गोमुख से गंगा को लेके आया, तो गंगा माता जी ने जब उसके अंदर हस्तियां छोड़ दी, पुत्र ने क्रिया करवा दी, तो जैसे जैसे गंगा में झाग उठती है उतने ही वर्ष तक वो आत्मा स्वर्ग में वास करती है। तो तभी से भगवान ने कहा जो भी प्राणी अपने माता पिता जी की हस्तियां लेके जाता है गंगा जी में, अवश्य में ही उसका कल्याण होता है। बब्रुबान नाम के राजा से वसुदेव नाम के वैश्य की बातचीत होने लगी। कौन थे वो? प्रेत रूप में थे। तो प्रेत रूप का कल्याण कैसे हो सकता है ये बताइए मुझे, उसका कल्याण कैसे होगा? उसने कहा कि राजन, जब किसी की कोई संतान नहीं होती तो उसका राजा, सरपंच, गांव का कोई भी मुखिया मानस उसकी क्रिया करवा सकता है। गरुड़ के अंदर लिखा है कि क्रिया लोक मत हो, क्रिया करवानी चाहिए। पुत्र का कर्तव्य होता है माता पिता का ऋण चुकाना। जब माता दे हैं तो माता का कोई और पिता का हम ऋण नहीं दे सकते, जन्मों जन्मों तक भी नहीं दे सकते। तभी उससे बातचीत हुई, तो उसने बातचीत होते हुए कहा कि मैं कहा कि, तो उसके बाद उसने क्या किया, नारायण भगवान की धनी उसकी क्रिया करवाई। क्रिया करवा करके वह प्रेत कहता है, राजा मैं आपको बहुत शांताकार भुजग ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला धोन करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो गावे मन पावे दुख बिनय से मन
जिस भी मार्ग से वो शरीर जा रहा है, परमात्मा विष्णु भगवान से विनती करने हैं कि उस आत्मा को अपने चरणों में रखें। सभी अपने हाथ में पुष्प रखे, मौन रहे। ओम शांति। गंगा माता तरण तारिणी, सर्व पाप निवारिणी, तेरी महिमा कहीं ना जाए। 484 अगे 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान रखे। सभी भक्तों ने कहना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चार वाणी चार खानी, जल अग्नि आकाश पाताल पानी, धरती माता का ध्यान रखे। सभी कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम का भोला भाला रैन दिवस वाला, सभी भक्त कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संध्या भजन कीर्तन आरती स्तुति महिमा जो दिव्या ज्योति वालों ने गाई, ब्राह्मणों ने जो भी महिमा गाई, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो उसके लिए हम भगवान से बेनती करते हैं, विष्णु जी से ही, कि जो भजन कीर्तन आरती संध्या हमने करी है उसके लिए माता संतोष देवी के लिए जो श्रद्धा के पुष्प भेंट कर रहे हैं। भक्त बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पापोयम पाप कर्मा, पाप आत्मा पाप संभव है, त्राहिमां त्राहिमां कोटि कोटि भगवान की के सब। शांति राम तारिक सर्व, शांति पृथ्वी शांति राप, शांति रोग शांति वनस्पत, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्व, शांति शांति रे वै शांति सा शांति रे देव शांति शांति भक्तो। मेरी बेनती है जिंदर प्रभाव से एक बंदे की ड्यूटी लगाई, जो भी भगवान जी का प्रसाद बना हो गेट से बाहर खड़ा हो जाएगा, जाते हुए वो प्रसाद दे और चाहे का प्रसाद ले जाए। फिर मेरी बेनती है भक्तों, ओम केशवाय नमः, माधवाय नारायण नमः नमो हस्तो प्रक्षाल महादोजी, ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ शुक्लं सन्धातुं देवताश्च पवित्रकं हे विनियोगः, ओम लोकाः देवतारिमां देवी पवित्रं पूजाश्नम, ओम अपाक्रमन्त्रि भूता ये भूता भूमिशस्त्या ये भूता विग्रहधानस्यं दोषिवाग्या, बोल विष्णु भगवान की चावल फूलने की जी महाराज का ध्यान करूँ। ओम गजान गुरुनाशी विदुम कविजम्बुचारुक्षुमाशुम शोकनाशकारुणाम विघ्नेश्वर पाद पंगजम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे अहम महास्वस्तिन इन्द्रो वृद्धस्वस्तिन बृहस्पति देवती इंद्रो देवता वरुण देवता। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरा
नमो लंबोदशविक्तो विघ्नाशो विनायका गुम्रकेतुनाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना स्वास्तिकानि नामानि यापडे शुनयाद्वि विद्यार्मे आयुषी ये उठ के नहीं सीते डॉक्टर नहीं कोई नहीं कोई